हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना प्यारा हिमाचल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो मक्की की छंटाई की थी। तो मक्की की छंटाई करने के बाद हम खेतों में हलोड लगाते हैं। हलोड मतलब खेतों में हल लगाना मक्की के बीचों बीच, और उसके बाद मक्की को फिर से खड़ा किया जाता है और इसके उसके इधर उधर मिट्टी लगाई जाती है। उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें मक्की के खेत में और हलोड़ लगना शुरू हो चुका है वहाँ से। तो जब ये वापस आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हमारी मक्की इस तरह है, छंटाई करने के बाद कुछ इस तरह की है। ये आप देख सकते हैं, कई जगह मक्की घनी लग जाती है, मतलब बीज ज़्यादा गिर जाता है, तो वहाँ पर छंटाई की जाती है पहले, तो उसके बाद फिर हलोड़ लगता है। कई जगह निदाई भी की जाती है मक्की की, पर हम निदाई नहीं करते, हम हलोड़ लगाते हैं। तो चलिए ले चलती हूँ आपको आगे और दिखाती हूँ कि हलोड़ जो है वो किस तरह लगाया जाता है। ये अभी आ रहे हैं उधर से वापस। देखिए, तो यहाँ से लेके नीचे तक सब खेतों में हलोड़ लगाने को है अभी। तो ये मक्की दिख रही है पीछे, नीचे तक सारे खेत दिख रहे हैं। तो ये हलोड़ लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल मक्की के बीचों बीच हलोड़ लगाया जाता है। मैं अभी पहली बार ही देख रही हूँ कि हलोड़ किस तरह लगाया जाता है। हमारी यहाँ पे हलोड़ लगाया जाता है, ये देखिए। और इसके बाद मक्की को खड़ा करना पड़ेगा। जब इस खेत में हलोड़ पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इन मक्की को खड़ा किया जाएगा और इनके आसपास जो है मिट्टी रखी जाएगी, मतलब पूरी तरह से मक्की के पौधे को खड़ा किया जाएगा। और जहाँ पे मक्की घनी है वहाँ पे मक्की को निकाल दिया जाएगा। मतलब ज़्यादा घना मक्की की खेती नहीं रखते हैं, मक्की की खेती को पतला पतला रखते हैं ताकि जो बचे हुए पौधे हैं वो अच्छी तरह से उनको पोषण मिल सके, अच्छी तरह से वो बड़े हो जाएं। तो अभी हलोड़ लग रहा है, जब मक्की खड़ी की जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मक्की को खड़ा किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से मक्की की डाली को खड़ा किया जाता है। ये देखिए, अगर ये दब गई है तो इसे थोड़ा ऊपर खींचा जाता है और जो पूरी तरह से ख़राब हो गई डाली उसको निकाल लिया जाता है। जैसे कि ये पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है तो इसको हम खेतों से निकाल लेंगे और इनको रख देंगे हम साइड में।
तो ये जो ये वाली क्यारी होती है पैर इसमें रखा जाता है ताकि हमारी मक्की ख़राब ना हो। और ये देखिए ये जो डालियाँ पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं उन्हें हम साइड निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से डाली को खड़ा किया जाता है। इस तरह से मक्की को खड़ा किया जाता है। मक्की को मतलब नीदने या फिर हलोड़ करने का एक फ़ायदा होता है कि जो बाकी हमारी घनी मक्की होती है एक तो वो पतली हो जाती है और जो मक्की के पौधे बचते हैं उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है और जो फिर बाद में मक्की का सीला लगता है उसमें दाने भी मोटे आते हैं क्योंकि आपको पता है कि जितने पौधे ज़्यादा होंगे ग्रोथ उतनी लेट होगी। या किसी पेड़ पर जब ज़्यादा फल होते हैं तो उनका साइज छोटा होता है और अगर कम फल लगते हैं तो साइज़ बड़ा होता है। तो यही हिसाब जो है हर फसल में लगता है। इसी तरह से मक्की को अलग किया जाता है क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी हो जाए और फसल हमारी अच्छी हो। तो कहीं पे हलोड़ लगाते हैं और कहीं पे लोग जो है वो निदाई करते हैं तो सबका अपना अपना तरीका है लेकिन मकसद सबका एक ही है कि हमारी मक्की की ग्रोथ अच्छी हो। और ये जो हलोड़ है वो धूप में ही किया जाता है ताकि मिट्टी जो है हमारी भुरभुरी हो। आप देख सकते हैं हमारी मिट्टी अभी भुरभुरी है। अगर यही हलोड़ हम बारिश में लगाएंगे तो पैर हमारे ज़मीन में डूब जाएंगे और हलोड़ लगाने में हमें काफ़ी परेशानी होगी। और हम मक्की के जो पौधे बीच बीच से निकालते हैं उसमें एक तो हाथ भी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगे और पैर भी हमारे ज़मीन में डूब जाएंगे। इसीलिए जो हलोड़ है वो ज़्यादातर धूप में लगाया जाता है। और बारिश के टाइम में हलोड़ इसलिए भी नहीं लगाते क्योंकि बीच में हम लगाते हैं हल से जिसको हम सैल बोलते हैं अपनी बोली में या क्यारी हम बोल सकते हैं। तो इन क्यारियों में पानी भर जाता है और जिसकी वजह से हमारे मक्की के जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए इसको बारिश में नहीं लगाया जाता। तो बारिश में हलोड़ लगाने के काफ़ी नुकसान होते हैं तो इसलिए इसे भरी धूप में लगाया जाता है। अभी आप देख सकते हैं भरी धूप में कितना पसीना पड़ चुका है और काफ़ी मेहनत लगती है हर फसल को उगाने में चाहे वो मक्की हो या फिर गेहूं मटर हो या धान। तो हर किसान को मेहनत लगती है फसल उगाने में। तो आधा खेत हमारा मक्की का जो है वो पूरा क्लियर हो चुका है। अभी आधा जो है वो क्लियर होना बाकी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी साइड हलोड़ लगाते हैं या फिर निदाई करते हैं। तो ये तिल के पौधे भी कुछ बड़े हो चुके हैं। ये देखिए ये काले तिल के पौधे हैं और इसका तेल जो है वो काफ़ी टेस्टी होता है और हेल्दी होता है। और सर्दियों में जो है वो इसका तेल ज़्यादातर हम जब मक्की निकलती है उसके बाद ही निकालते हैं तो ज़्यादातर सर्दियों में ये तेल हम खाते हैं। और सर्दियों में इस तेल को खाने के काफ़ी लाभ होते हैं क्योंकि तिल का जो तेल है उसकी तासीर गर्म होती है और ठंड की वजह से जो पेट दर्द होती है मतलब जो भी बीमारियाँ ठंड की वजह से होती है वो ये तिल के तेल से ठीक हो जाती है। तो जब हमारी तिल की खेती निकलेगी तो मैं आपको बताऊँगी कि तिल कैसे निकालते हैं और कितने तिल हमारे निकलेंगे इस बार। पिछली बार हमारे निकले थे कितने तिल निकले थे पिछली बार? तो पिछली बार हमारे तिल का लगभग 10 लीटर तेल निकला था और हमने पूरी सर्दियों में तिल का तेल खाया था। वो तिल का तेल काफ़ी हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए और इसकी मालिश भी की जाती है तिल के तेल की तो बहुत अच्छा रहता है जोड़ दर्द के लिए। तो आप भी अपने घर में तिल उगाइए और तिल के तेल का आनंद लीजिए। यहाँ कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हमारे तिल के पौधे। ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है तिल का पौधा। तो
हलोड लगाने के बाद मैं आपको पूरा मक्की का खेत दिखाऊंगी कि हलोड जो है वो किस तरह से हमने लगाया और मक्की खड़ी करने के बाद खेत कैसा दिखता है। तो हलोड के बाद कुछ इस तरह से दिख रही है हमारी मक्की। अब ये मक्की जो है वो एकदम पतली और अलग अलग हो गई है, आप देख सकते हैं हलोड के पहले हमारा मक्की का खेत कैसा था और हलोड के बाद हमारा मक्की का खेत कैसा है, ये देखिए। तो इस तरह से हलोड लगाया जाता है और फिर मक्की को खड़ा किया जाता है, तो उसके बाद खेत कुछ ऐसा लगता है। ये लास्ट तक निदाई में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन हलोड जो है वो जल्दी हो जाता है, इसलिए हम हलोड प्रेफर करते हैं और सारे खेतों में हलोड लगाते हैं। तो ये था हलोड कि हलोड किस तरह लगाया जाता है और उसके बाद मक्की को किस तरह से खड़ा किया जाता है। तो हलोड के बाद खेत कुछ इस तरह का दिख रहा है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और ये देखिए हमारी मक्की कितनी अच्छी और अलग अलग दिख रही है। अब बहुत टाइम लग गया इसको करने में, इसमें हमने मक्की थोड़ी अलग नहीं की थी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन ये जो ऊपर वाला खेत है इसमें हमने पहले ही मक्की जो है वो अलग अलग कर ली थी, मतलब मक्की की चिंताई कर ली थी, तो इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम दो तीन खेत करेंगे धूप में और उसके बाद शाम को करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए अपना प्यारा हिमाचल।